बीते दिन तो मीडिया च काफ़ी गल्लां चल रही ने कि हुण बर्ड फ्लू ने दस्तक देती है, करोना ने डराया तो हुण बर्ड फ्लू ने भी दस्तक देती है, क्योंकि कुछ अजिहियां घटनावां वापरियां ने, पंछियों की मौत हुई है, माइग्रेटरी बर्ड्स जिहड़े हुंदे ने दूजी जगह तो आते हैं तो उन्हां करके उन्हां नूं काफ़ी मौतां हुईयां ने उन्हां दीयां, तां जिस करके काफ़ी ये डर बन रहा कि बर्ड फ्लू हुण वापस आ गया, तो जिस करके पंजाब हरियाणा ते हिमाचल नूं भी हाई अलर्ट किया गया, प्रिवेंशन लैण की गल की जा रही है, पर असल दे विच इस दे विच सच्चाई की है कि वाकई ही हुण बर्ड फ्लू दे वल वध रहा है, बर्ड फ्लू पंछियों के या पोल्ट्री इंडस्ट्री की गल करिए आप चिकन लोग बहुत खाते हैं, बर्ड फ्लू फैल रहा, लोगों के डर बन रहा, सवाल आ रहा कि हुण असी चिकन खाइए या ना खाइए, क्योंकि बर्ड फ्लू का हुण डर लोगों के दिलों के बैठ गया। इसकी सच्चाई जानने वास्ते अज असी गुरु अंगद देव वैटनरी यूनिवर्सिटी आए हैं, इतने साढ़े नाल एक्सपर्ट्स मौजूद ने, डॉक्टर भी ने जिहड़े सानू सारा कुछ दसणगे, उन्हां नाल आप गलबात करते हैं। सब तो पहला साढ़े नाल डॉक्टर परमिंदर मौजूद ने, डॉक्टर साहब सब तो पहला ये दसो कि बर्ड फ्लू की जिहड़ी गल चल रही है कि बर्ड्स की जिहड़ी मौत हुई है, कावां दी मौत होई है माइग्रेटरी बर्ड्स की, किन्नी सच्चाई है इहदे विच कि वाकई असी बर्ड फ्लू दे वल वध रहे हां, दस्तक देती है बर्ड फ्लू ने? बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसीं बार बार बर्ड फ्लू की गल कर रहे हो, जिहड़े राजस्थान दे विच जिहड़े कावां दी मौत दर हुई है उत्थे इह जरूर होया कि वह बर्ड फ्लू करके आ, पर वह माइग्रेटरी बर्ड दे नाल कॉन्टैक्ट करके ये जिहड़े 300-400 जिहड़े कां मरे आ ते उहनां दी इह पुष्टि हुई है। दूजी थोड़ी जी रिपोर्ट राजस्थान के बाद हरियाणे के भी आई है, पर उत्थे बर्ड फ्लू की अजे कोई पुष्टि नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगा कि अजे तो पंजाब दे विच कोई केस भी है नहीं, दूजा जे हरियाणे दे विच जां राजस्थान दे विच होया केस तो सानू सुचेत जरूर होना चाहिए, उस सुचेत दे लई असीं सारे पोल्ट्री फार्मर नूं ये कहना चाहते हैं कि जे बर्ड फ्लू का पहली गल तो डरन की लोड़ नहीं है, क्योंकि पंजाब दे विच पहले ही असी बायोसिक्योरिटी सिस्टम जां साडी एक्सटेंशन सर्विस इन्नी वधिया हैगी है कि असी कल्ले कल्ले फार्मर नूं ऑलरेडी असी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। असी मीडिया राही ये फिर दसना चाहवांगे सारे फार्मर नूं कि अपनी जिहड़े फार्म ते बायोसिक्योरिटी होर भी वधा दो। बायोसिक्योरिटी का वधाउण दा मतलब है भी जे तुहाडे शैड ते कोई लेबर काम कर रहा तुसीं उहनूं बाहर ना जाण दिओ, बाहरों जिहड़े कंपनी वाले तुहानूं कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव ये आउंदे उहनां नूं अजे हत्थ बेनती कर दो भी अजे आउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि कई थावां ते उह कई फार्मां ते जांदे आ। अपने जिहड़े फीड दे विच फीड आउंदी आ बाहरों ट्रक ट्रुक जिहड़े आउंदे आ फीड दे विच उहनां दे जिहड़े टायर टूर आ उह चंगी तरह धो के अंदर लै के आओ। अपने बर्ड दे विच अजकल स्प्रे आउंदे आ, शैड दे बाहर भी स्प्रे होंदे आ, शैड दे अंदर भी स्प्रे होंदे आ, उह तुसीं उह करना शुरू कर दो। असीं तां एज ए प्रिवेंटिव मेजर की गल कर रहे हैं फीड दे विच, क्योंकि हर कोई जिवें तुसीं करोना की गल करी है हर कोई अजकल इम्यूनिटी बूस्टर कहिंदा, तो इदां ही फीड दे विच भी कई इम्यूनिटी बूस्टर आ, कुछ एसेंशियल ऑयल्स आ, विटामिन असीं पाउंदे आ, वह विटामिन तुसीं पा के बर्ड की जिहड़ी फाइटिंग एबिलिटी है वह तुसीं इंप्रूव कर सकते हो। उहदी फीड इनटेक खास करके वो चैक करो, बर्ड की भी फीड इनटेक प्रॉपर है, जदों वो आराम नाल फीड खा रहा तो उत्थे उहनूं कोई बीमारी होगी नहीं। मतलब हजे पंजाब दे विच बर्ड फ्लू वर्गा कोई हजे खतरा नहीं है, सिम्पटम नहीं है जी, असीं पहलां ही यही कह रहे हैं, सिर्फ सुचेत होने की लोड़ है कि असीं एवें ढिल ना होईए कि हो सकदा कि उही कां जां कोई राजस्थान तो बंदा जां कोई हरियाणा तो बंदा अपने एंटर होंदा, तो असीं जे 10-15 दिन महीना, क्योंकि ठंड का टाइम है, उपरों सारे फार्मर ने पलियां लाइया हुई बर्ड नूं सही करन से, उपरों की हुंदा कि उत्थे हवा की कमी हो जाती है, अमोनिया गैस बढ़ जाती है, वो बर्ड ना दूजे कारण करके स्ट्रैस च आ जाता, तो वो करके ठंड करके या किसी होर बीमारी करके मौत हो सकती है, पर बर्ड फ्लू का नहीं है अजे, इस करके इनू ज़्यादा मतलब ना छालिया जाए तो ना, पर यह है भी सुचेत जरूर होण फार्मर। जिस तरह पंजाब दे विच हरीके पतन वाली बैल्ट है जिधरों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उत्थे काफ़ी कह रहे हैं कि ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, उत्थे जिहड़ी सारियां टीमां एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट दियां सारियां उत्थे पहुँच चुकियां भी वह बर्ड की मूवमेंट कित्थों आया, जिहड़े बर्ड वाचर्स हैगे जो बर्ड के नाल जिहड़े काम करते उन्हां तों ट्रैक करके ये पता कराया जा रहा कि वो जिहड़े कंट्री दे विच इह जी डिजीज़ है तो नहीं, पर असीं उत्थों ही वह बर्ड वापस चले जाते अगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उत्थे भी जिहड़े विजिटर हैगे उन्हां नूं भी असीं रोकना चाहिए ताकि कॉन्टैक्ट ना है।
जिस तरह जो मान लो जेकर कोई बर्ड फ्लू का इतने कोई केस आता किसी बर्ड्स के किस तरह मतलब वो पता लगता उन्होंने टेस्टिंग वगैरह होंगी है या जिस तरह आप कोरोना के काफ़ी चलिया कि यह सिमटम है कि एनीमल्स के बर्ड्स के भी कोई वो बर्ड फ्लू के सिमटम्स दिखते हैं। हाँ जी, बर्ड फ्लू के जोड़े सिमटम जो आओगे तो वो सडन सारिया ही सारिया प्रॉब्लम होंगे, पर असी उतों ये सैंपल कट्ठे करके साड़ी सेंटर भोपाल लैब हैगी उ असी भेजते हैं, उतों ये टैसट हो के फिर सारी एडवाइजरी जारी होंगी है। अजय ना हरियाणे दे विच ते ना ही पंजाब दे विच कोई केस नहीं है। हरियाणे दे विच जिहड़ा हैगा उत्थे केड़ा बरवाले साइड ते हैगा उत्थे जरूर कोई स्टेन हो रहा है, तो इस करके वो बर्ड फ्लू नहीं है। इस करके अपना चिंता करने की लोड़ नहीं कि जिहड़ी एडी हवा चल रही है गल्लां चल रही है कि बर्ड फ्लू आ रहा, डरन की हजे कोई डरन की कोई लोड़ नहीं, पर सुचेत जरूर रहना चाहिए। तो साढ़े नाल इत्थे डॉक्टर रजनीश भी मौजूद ने। डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि हजे बर्ड फ्लू नहीं आया, पर लोगों के दिलों के डर जरूर बैठ गया कि बर्ड फ्लू आ गया, लोगों चिकन खाना बंद कर देंगे ने कि बर्ड फ्लू आ गया। ह्यूमन ट्रांसमिशन किस तरह की असर पाती है जो कोई बर्ड फ्लू इनफेक्टेड वाला जो कोई बर्ड हो जे कोई आदमी उन्होंने इनटेक कर ले, ह्यूमन ट्रांसमिशन की वह सारा देखो जिवें पहला भी डॉक्टर साहब दस चुके ने, डरन की बिल्कुल भी लोड़ नहीं हैगी। जे आप वेखिए कि जिवें डॉक्टर साहब ने पहला भी दसिया कि सानू सुचेत रहन की लोड़ आ, जे कोई अजिहे लक्षण आते हैं तो वह सुचेत रहन, नज़दीकी अपने जिहड़े वैटनरी डॉक्टर उन्होंने सुचेत किया जाए ताकि टैसटिंग होकर अगे पता लगे। जे आप गल करिए कि जिदा तुम गल कर रहे हो कि चिकन खाना छड़ देंगे या इदा की बिल्कुल डरन वाली कोई गल नहीं हैगी। दूजा यह है कि जड़िया अपनिया कुकिंग कंडीशन ने ठीक है जी, वो इदा दियाँ ने जो असी आप प्रोपर तरीके अपना पका लें मांस न तो सारे जड़े है वायरस ऑन बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं, तो डरन की बिल्कुल गल नहीं है। बहुत रेयर तो रेयर केस वेखे गए हैं इस चीज़ के, बहुत रेयर मतलब आप कह दीए तो इस करके ना यदि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वेखी गई अज तक। सो आपां डरन की बिल्कुल गल नहीं, अपना चिकन अपने बर्ड जड़े ने बिल्कुल अज की डेट के बिल्कुल सेफ ने ठीक है जी। कोई ह्यूमन ट्रांसमिशन तुम क्या कि अज तक नहीं देखी गई, पर लोगों को डर होंगे कि वो बर्ड फ्लू वाला चिकन खाते ना सानू कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इदा दी। अपना तुम जो मीट बनाने हो पकाने हो तो कोई भी जड़े जवाणु ने विषाणु ने वायरसिस बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। सो बिल्कुल डरन की कोई गलबात है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह पहला कोरोना काल के भी लोगों ने डर बिठाया कि बर्ड्स न या चिकनस न कोरोना हो गया, उसके करके काफ़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री डाउन हुई थी, पर उदो भी एक्सपर्ट्स यही कहना यह सिर्फ एक पैनिक क्रिएट हो जाता कई बार, पर आपां पैनिक तो दूर हट दे विजिलेंट रहना सुचेत रहना वा। साडे पोल्ट्री फार्मर जिहड़े ने बड़े वधिया तरीके नाल पोल्ट्री फार्मिंग करदे ने, बहुत वधिया तरीके अपनाउंदे ने, ते जे वो होर सुचेत रहणगे ते आपां नूं इह वधिया ही रहेगी इह चीज़। तुसीं कुछ कहना चाहुंदे सी? मैं यही कहना चाहुंदा कि जदों किसे फार्म तों बर्ड लिफ्ट हुंदा वो फार्म नूं आप पता कि मैं हैल्दी बर्ड बेच रहा, क्योंकि बीमार बर्ड का तो उन्होंने भी रेट नहीं मिलना। उस तो बाद प्रोपर वो इंस्पैक्शन होंगी है, फिर वह ड्रैसिंग होंगे, तो उत्थे तक पहुँचने लग्या तो हैल्दी ही होगा, तो हैल्दी ही जिहड़ा हैगा वो पूरा लॉ हैगा कि हैल्दी ही बाहर जाऊगा। इस करके उत्थे कोई डरने वाली लोड़ नहीं, हैल्दी ही आऊगा, हैल्दी कुकिंग होगी, तो कोई नहीं। जिहड़ा बर्ड मर गया उन्होंने तो जां पोस्टमार्टम होगा जां जमीन च दबा दिता जांदा। तां इह डॉक्टर सीगे एक्सपर्ट सीगे, इन्हां दा कहना कि हजे बर्ड फ्लू की पंजाब दे विच कोई स्थिति नहीं हैगी, पर साढ़े नाल इत्थे पोल्ट्री फार्मिंग दे नाल भी जो इंडस्ट्री है पोल्ट्री फार्म दी उहदे नाल संबंधित भी साढ़े नाल कुछ लोग ने। सर, डॉक्टर्स ने तां कहता कि पंजाब दे विच हजे बर्ड फ्लू की कोई टेंशन नहीं, पर मीडिया दे विच इह गल उड गई है कि बर्ड फ्लू आ गया, लोगों ने चिकन खाना हुण छड्ड देना। पोल्ट्री इंडस्ट्री पहलां ही करोना करके काफ़ी डाउन सी, हुण की असर पएगा तुहाडा? देखो, आम जनता है बड़ी समझदार है, क्योंकि इस तरह की र्यूमर जिहड़ी है ना पहलां भी उड़दियां रही हैं। ये बर्ड फ्लू की र्यूमरस अज नहीं है, पहला भी असं फेस करते आ रहे हैं। लोग समझदार है, वह समझते कि र्यूमरस है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे ना पिछले 18 साल तो यह चल रहा है, कदम दो चार साल बाद र्यूमरस आदि हैं, पर एक बारी भी अपने जिस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक भी केस इंडिया इदा नहीं होया कि आप सोचिए किसी बुखार भी चढ़िया चिकन खा के। सो ये र्यूमरस है, ये एक पैनिक लोगों क्रिएट होंगे जिसके कारण लोग गलती करते हैं। देखो, चिकन एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, और सब तो चीप हैगा। सो ये जिहड़ी चीज़ है कि इनू आपां छड़ दईए, ये तो बेवकूफी वाली गल ही है, कि मतलब कि सिर्फ अफवाह के उत्ते, और सिर्फ अफवाह, क्योंकि पंजाब दे विच कोई केस है नहीं। जिहड़े जिन्ने भी पोल्ट्री फार्म्स है, मैं पोल्ट्री इंडिपेंडेंट पोल्ट्री एसोसीएशन मैं उहदा प्रेजीडेंट है, मैनूं पता किन्नी बायोसिक्योरिटी असीं यूज़ करते हैं, किन्ना असीं ध्यान रखते हैं बर्ड्स का। सो किसी भी है जिहड़े भी प्रॉब्लम है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, वो नॉर्मल है, वो हर साल दो साल बाद माइग्रेटरी बर्ड्स है ना जिहड़े, उन्होंने प्रॉब्लम होंगी है ठंड के विचों मर जाते हैं मे बी किसी भी रीज़न नाल, पर जिहड़े भी चिकन है ये बिल्कुल सेफ है, इन्हों खाना बिल्कुल सेफ है,
इस तरह की कोई बर्ड फ्लू की फायदे ध्यान पोल्ट्री इंडस्ट्री का फर्क पेगा ना, सफर पहले ही कर रही से हूँ होर औखा होएगा पोल्ट्री इंडस्ट्री। देखो मैं कह रहा जी पहला बहुत नुकसान होया पोल्ट्री इंडस्ट्री का, करोना वाले भी लोगों ने फावों पर ध्यान दिता और उस तो पहला दो चार साल पहला बर्ड फ्लू लोगों पर ध्यान दिता, सो लोगों ने अनजाने गलती करके या गुमराह होकर चिकन तो परहेज किया, पर उसका जो आम फार्मर है उन्होंने बहुत नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि लाइव स्टॉक्स है यदी जी। पहला करोना काल के गल्ला उड़िया कि आलूआ नालों सस्ता चिकन हो गया, मतलब फार्मरस जोड़े ने पोल्ट्री फार्मरस ने उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा अपने पोल्ट्री फार्म बेचने उन्होंने शुरू कर दिता। देखो ये चीज़ तो रही है, करोना शुरू होने तो पहले ही र्यूमरस शुरू हो गई सी कि भी चिकन खाने नाल करोना होएगा, सो ये जिहड़े र्यूमरस फैलांदे है ये तो जी आम लोगों के दुश्मन है, इस पोल्ट्री इंडस्ट्री के दुश्मन है। चिकन बहुत वड्डा प्रोटीन का सोर्स है और सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप इस सोर्स आप मूँह मोड़ लेना ये तो कैसे तो बेवकूफी गल हैगी है। वड्डी चीज़ होंगी है कि अवेयरनैस होवे लोगों के की तुहाड़ी जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि एसोसीएशन दे तुसीं प्रेजिडेंट हो, की तुहाड़ी एसोसीएशन मतलब लोगों को अवेयर करने वास्ते कोई कदम चकेगी भी बर्ड फ्लू वर्गी कोई चीज़ नहीं हैगी, चिकन खाने के जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी दस्सिया कि अपने इन्ने टैंपरेचर पर बनता है कि सारे वायरसिस मर जाते हैं, अवेयरनैस किस तरह फैलाओगे तुसीं लोगों के? देखो मेरे ख्याल अवेयरनैस ऑलरेडी लोगों से है क्योंकि ये चीज़ ना काफ़ी पुरानी हो गई है, ये नवी चीज़ नहीं है, आप कह नहीं नवी करोना कि नवा आया से लोगों बहुत डर सगा, ये एक पुरानी है लोगों को पता है कुछ नहीं होंगे चिकन खा के कुछ नहीं होने वाला, लोग ऑलरेडी अवेयर है इस चीज़ तो, सो इन चीज़ों को आप बार बार डिस्कस करा तो लोग मैं लगता नहीं कि लोग विश्वास करने वाले है, तो ना तो बर्ड फ्लू है ना बर्ड फ्लू सगा, तो क्योंकि मैं तुम्हें दस्या एक भी परसन पूरे इंडिया बीमार तक नहीं होया, सो आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे कि करोना बर्ड फ्लू जब कोई चीज़ है ही नहीं है तो आप बारे गल करके अननेसेसरी आप पैनिक क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है ना जी। मेरा यही है कि लोग फार्म पर ध्यान ना दो, अपने चिकन खाना उस तरह ही रखो, प्रोटीन का वड्डा सोर्स है, इन्नी ठंड पै रही है चिकन रोज़ खाओ, मतलब कि यह तो बहुत जरूरी है थोड़ी सेहत लिए। इन्हें चलो पोल्ट्री फार्म से आप माइग्रेटरी बर्ड्स के नाल जो बर्ड फ्लू का जो एक अद्धा कोई दिखाया वो बर्ड्स किस कितों आए से कोई आया कि कितों अपने नाल इन्फेक्शन लेके आए? अजे कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं हुई है, वो सारे जो नॉर्थ तो जो साइबेरिया तो है वो है बर्ड वाचर्स ही जोड़े है उन्होंने टैग वगैरह जो होंगे ऑब्जर्व करते वो दस सकन तो पर उ किता कुछ नहीं जा सकता क्योंकि आप यही आ भी जे तुम उ कोई बर्ड आया जिमें उन्होंने कहा भी कदे कदे यहोजा हों भी कैरियर हो जाता तो वो डैथ हो जाती पर वो फैल जाए ये चीज़ हो नहीं सकती। दूसरा जिवें जो बायोसिक्योरिटी सिस्टम है जो चेन हैगी वैल्यू सगो ये तो जो खाने इम्यूनिटी बढ़ती पोल्ट्री फार्म एक होर मौजूद ने किस तरह इंडस्ट्री इस नाल लड़ेगी हुण क्योंकि अफवाहों बहुत ने लोग अफवाहों पर ज़्यादा यकीन करते हैं व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता उसकी बिना पुष्टि किए कि यह मैसेज सही है नहीं वो फॉरवर्ड कर देंगे ने एक मैसेज फॉरवर्ड करे तो दस लोगों के दिमाग पर असर पैंता किस तरह फिर डील करो? बिल्कुल देखो मैं पोल्ट्री मेडिसिन इंडस्ट्री में बिलोंग करता है तो ये आप चीज़ पहला भी देखते रहे हैं पिछले तो 17-18 साल तो ये चीज़ चल रही हैगी है कि जी बर्ड फ्लू आ गया लोग पैनिक हो गए लोगों ने छड़ दिता खाना है ना। ईवन आप करोना टाइम से भी देखते हैं आप भी डिस्कस की ये चीज़ डॉक्टर साहब ने भी की भी करोना के भी की होया कि लोगों ने एक अफवाह के उत्ते यकीन करके चिकन खाना बंद किया और एकदम चिकन थले आया, बट ये आप कहने भी लोग अवेयर नहीं है, साढ़े लोग बहुत वधिया साड़ी पब्लिक अवेयर हैगी है वेरी मच अवेयर है कि भी उन्होंने अवेयर के नाल ही करोना काल के ही वो दोबारा मतलब उठ गया है सारा दोबारा लोग खाने लग गए दोबारा वो डिमांड बढ़ गई करोना काल के ही यह सब कुछ होया है लोग अवेयर से ता ही यह सब कुछ होया। तो एक सब तो वड्डी गल मैं कहना चाहूँगा लोगों को भी बर्ड फ्लू डजंट मीनस पोल्ट्री, ठीक है जी। बर्ड इन्ने ज़्यादा बर्ड्स है अपनी सृष्टि के तो कोई भी अगर बर्ड मिलता तो उन्होंने सिर्फ रिलेट तुम पोल्ट्री ना करो, ठीक है। और आज की डेट के जिमें भी संजय जी ने भी किया अपना डॉक्टर साहब ने भी सारे ने पुष्टि की है कि भी एक भी केस यहोजा नहीं होया कि आप पोल्ट्री की कंजम्पशन के नाल किसी भी ह्यूमन नू कुछ होया होवे, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल की गल बाद आती है, पोल्ट्री टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल भी ये नहीं है, ये पुष्टि पहला भी हो चुकी है, ये गवर्नमेंट के अधारे सारे एडवाइजरी नोट भी आ चुकिया ने पहला असी पहला भी इस चीज़ को झेल चुके हैं तो इस करके इस चीज़ तो डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी। तुम अपना आराम ने खा सकते हैं अपनी कुकिंग कंडीशन के उत्ते डॉक्टर साहब ने चाना पाया ही है कि आप 100 डिग्री पर जाके कर दें कम तो उत्थे तो न्यूट्रीशन भी नहीं बचता एक ही रहना है तो प्रोटीन का बहुत वधिया सोर्स है इनू रेगूलर खाओ और वधिया तरीके नाल तुसी अपना करो इनू इस कोई घबराने वाली गल नहीं हैगी। बाकी जो डॉक्टर साहब ने कहा भी अवेयर रहने की गल है वो सारे अवेयर है और पब्लिक अपनी पहले ही अवेयर हैगी है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यह सन वैटनरी यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स से पोल्ट्री फार्मिंग के नाल संबंधित कुछ लोग से जिन्हों का कहना है कि बर्ड फ्लू वर्गी हजे कोई चीज़ नहीं, जिस तरह डॉक्टर्स ने भी दसिया कि फिलहाल जिहड़ा बर्ड फ्लू का कोई पंजाब दे विच खतरा नहीं है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जी होंगी है या बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है उसका भी अज तक कोई केस नहीं देखा गया। तो इन्हों का कहना है कि चिकन खाना बिल्कुल सेफ है, अफवाहों पर ना असी यकीन करिए। असं भी बार बार अपने चैनल राही यही लोगों को अपील करांगे कि सच्चाई जाने बिना कभी भी कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करो, अफवाहां ना फैलाया करो। तुहाडी एक अफवाह फैलाने दे नाल दूजे आदमी ते काफ़ी जिहड़ा इसका असर पै सकदा। तां वधेरे अपडेट्स सी साडे जुड़े रहो लुधियाणा तों, सनमजीत सिंह कैमरामैन विपन अरोड़ा दे नाल लुधियाणा टाइम्स। वधेरे जानकारी लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्लो।